जहाँ रुके थे वहाँ से 11 बजे निकले नाश्ता वाश्ता करके, रात को 12 बजे तो पहुंचे ही थे वहां पर। और इनको बोला था आराम से निकलते हैं 12 बजे 1 बजे या एक रात और रह जाते हैं, पर ये हैं सुनने वाले, जल्दी चलना नहीं, ये रहने दो जल्दी। और मैंने कहा था वहां बैठ के मेडिटेशन करते हैं, दिन में थोड़े क्राफ्ट देखते हैं, है ना, पर इनको तो धूप से एलर्जी है ना, इनको तो धूप में निकलना नहीं है, अब धूप में घास में बैठे कौन। हमने सुबह कोई 5 बजे से उठाया, कुछ 6 बजे उठाया, कुछ 7 बजे उठाया, और ये यूट्यूब पे जाने वाला है। अच्छा, हाँ जी, हम सुन रहे के। तो ये देखो कितना सुंदर है बाहर, और रात को ये हाल हो रहा था कि फटी पड़ी थी कि अभी खाई में गिरी, कट कैंसिल डिलीट, और अब ये हाल है कि मतलब अब तो ठीक है, ये ऐसे आ जाते हैं ना, ये ऐसे ऐसी गाड़ियां आ जाती हैं और फिर रुकना पड़ता है। ये ड्राइवर साहब, बाप रे, इस बंदे ने जो गाड़ी चलाई है रात को और अभी जो संभाल के ये ही है जो ले आया है और लेके जा रहा है, कोई और होता ना हम तो हार्वेस्ट हो गए होते। अरे वही रुके यार, देख दिखना चले यार उधर साइड में, मैं बोलता हूँ। ये उतरे हीरो, ये हमारे हिंदुस्तानियों के कर्म, BRP के तो कैन फेंका हुआ है, मतलब हिंदुस्तानी कभी सुधरेंगे? कहीं गंद डालने से ना बाज नहीं आते, उन्हें डस्टबिन रखो ना गाड़ी में, नहीं बियर का कैन फेंक। एक तो ड्राइव करते हुए पहाड़ों पे बियर कोई पीता है? फिर इसीलिए फिर मरते भी हैं, सुनते नहीं, ठीक है। जगह बड़ी सुंदर है, और इसका लास्ट की नाइट हम लोग खाई की साइड में थे, और ये अच्छा, हाँ ये सब लोग किसी को कोई अपना मैसेज देना है, मैसेज मतलब ये यूट्यूब पे जा रहा है बाद में, लेकिन अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ कहना है, तो यू मोर वेलकम। वो तो लगी हुई है अपना धर्म कर्म में, नथिंग एंजॉयड व्हाट नथिंग, ये साइलेंट मूवी ये थी, एंजॉय किया, हाँ मजा आया, बस एक अलग एक्सपीरियंस था, दैट्स इट, बी क्रिएटिव। ये तो रास्ते में ना पढ़ता आया है बेचारा, अपना लेक्चर सुन रहा था फोन के ऊपर जाते हुए कल, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय। काला चश्मा नहीं पहनते, पीनियल ग्लैंड ब्लॉक होता है। अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। पीनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई करने के लिए धूप आंखों में पड़नी जरूरी है। हाय, अब सब लोग आएगा, इट्स ऑसम ट्रिप। अभी तो फर्स्ट दिन है, सॉरी अभी तो फर्स्ट दिन है, अभी तो 6 दिन का बाद में देंगे आपको। यहाँ पर वो सभी लोग जो हमारे साथ नहीं आए उन सबको मिस किया जा रहा है, और ये वीडियोस मैं बना इसीलिए रही हूँ ताकि जब ये वीडियोस मैं डालूंगी ना ट्रिप खत्म होने के बाद यूट्यूब पे डालूंगी एक एक करके, गिर गया तो सबको मोटिवेट करने के लिए, और सेकेंडली सबने बोला था कि शेयर करना ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो हमारे साथ हैं, तो ग्रुप में तो शेयर करेंगे वो तो अलग स्टोरी है, लेकिन यूट्यूब पे शेयर मैं बाद में करूंगी, अभी नहीं करूंगी। तो अगली बार के लिए हो सकता है कि आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे, ये लोग भी यूट्यूब पे सुन के आए हो ना, ये दोनों भी यूट्यूब पे सुने थे और इनको नहीं लगा था कि आप आएंगे, राह की मेहरबानी नहीं, एक्चुअली तुम दोनों की अपनी मेहरबानी क्योंकि तुमने हिम्मत की। नमस्कार, बहुत अच्छा है, वैसे तो आप सब पंजाब से आए हो ना, मैं पंजाब से, तो आप भी जरूर आए, बहुत मजा आएगा। कैनेडा से? हाँ, और ये लोग कहाँ से आए हैं? लखनऊ से ना, नहीं झांसी, झांसी, और वो अच्छा, वो लखनऊ वाले तो वो गाड़ी में आ रहे हैं गुजरात से। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली? पहाड़ी कोटी जाने, पहाड़ी कोटी जाने का नया एक्सपीरियंस मिल लिया हो रहा है, और घर से इतना दूर आने के लिए सोच रहे थे, पर ये मेरा सही डिसीजन था, ऐसा हो रहा है। हेलो, मैं गुजरात से आया हूँ, और अभी तो पहला ही दिन हुआ है, लेकिन बहुत एडवेंचरस रहा पहला दिन, और आगे देखेंगे, अभी तो बहुत मजा आने वाला है। अपनी बीवी को कोई मैसेज देना है? नहीं, नहीं। दे दो, दे दो। हेलो,
बीवी को बस हेलो ही बोलोगे? हेलो डार्लिंग स्वीट हार्ट और हाउ आर यू कुछ बोलने तो दो बोलो बोलो ये बीवी के लिए फोन इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं। हेलो मैं शिवानंद तिवारी अयोध्या से और गिंदी मैम से और पीए से मिलकर के लाओ फोन के दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा। इधर तो हम आते जाते रहते हैं लेकिन अब की बार का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। पुणे से सोनिया और निकिता की मम्मी। मैं अकेली ट्रिप कर रही हूँ फर्स्ट टाइम लाइफ में। खिड़की खोलो ना थोड़ी हवा है। परिवार के बिना कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब सबके साथ मिलके। अब मैं मिस कर रही हूँ मेरे दोनों बेटियों को सोनिया निकिता। मैं विरल गुजरात से। हम सब लोग बहुत टाइम से एक दूसरे से साथ में हैं पर अभी पहली बार साथ में मिल रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक दिन में लग रहा है। अभी आगे देखते हैं कितना ब्यूटीफुल जाता है और हम सब आपको ये बात जरूर शेयर करेंगे। एक बार निकलो आप निकलोगे तो बहुत पालोगे। आगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या होता है मेडिटेशन का क्या होता है वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन ये जो सीधी सादी भोली भाली है ना ये साइंस की प्रोफेसर है। मतलब इतनी जो सीधी सादी लग रही है ना बाप रे कितना तो दिमाग होगा। साइंस का तो ऐसे भी नहीं आता हमें। हाँ जी हाई माय सेल्फ बीना आई एम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात एंड हमारी 10 दिन का ट्रिप होने वाला है। चैनल डिवाइन होगी वो भी बताओ। यस ये 10 दिन का ट्रिप होने वाला है बट ये हमारा फर्स्ट डे एक चला गया है बहुत एडवेंचर रहा है। बाकी के देखते हैं 9 दिन और कन्फर्मेशन कॉलिंग भी करनी है तो आई होप सो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये। सो बोला डिवाइन योगी सो मेरी चैनल है डिवाइन योगी आप उसके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल वीडियोस वगैरह देख सकते हो जहाँ पे हमारी अपकमिंग न्यू बुक आने वाली है। सो लेट्स कनेक्ट। ये कन्फर्मेशन नीचे रखिए। अच्छा मैं भरत लखानी गुजरात से सूरत से और ये ट्रिप हम सबका पहला ट्रिप है। वैसे दूसरा ट्रिप है लेकिन नेशनल लेवल का पहला ट्रिप है और पहले दिन की पहले ट्रिप की और पहली नाइट माय गॉड इतना एडवेंचर रहा। कल रात को क्राफ्ट भी देखा। लोग बोलते थे आप भटक गए हैं और हम सोच रहे थे कि घर से निकलेंगे तो भटकेंगे तो सही लेकिन मंजिल पर तो पहुंचेंगे जरूर। और आगे के जो दिन है ना अभी आप सोचो हम लोग कैजुअली आज का दिन ले रहे थे लेकिन दो क्राफ्ट तो आज भी वेलकम करने के लिए आए थे। पहले ही दिन वेलकमिंग के लिए आए थे वो। और सबसे बढ़िया ट्रिप होने वाली है अगले 6 दिन की। मस्त एडवेंचर रहेगा और बने रहिए गिन्नी अनेजा चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें शेयर करें। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय। सामान देख रहे हो पीछे अभी तो ऊपर भी रखा हुआ है और ये देखो ये यहाँ पर भी है और ये देखो ये मतलब जो लोग नहीं आए ना जो 6-7 जने ये उनकी जगह पे सामान रखा है। वो आ जाते तो उनके सर पे रखना पड़ता। बट आप लोगों को मिस कर रहे हैं जो नहीं आ सके और आना चाहते थे। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ वन डिस्कस किया। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ वन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो डिस्कस किया। उसके बाद कल हम लोगों ने गाने गाए। शाम को जैसे ही अंधेरा हुआ ना ये जो पूरा रास्ता है ना ये खिड़की खोलना ये जो पूरा रास्ता हम लोग आए हैं ना तो ये तो घुप अंधेरा था तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और हमारी गाड़ी उस तरफ थी तो ऐसा लगता था कि बस अब मैं क्या ही बोलूं। तो ये था कि रात को भजन कीर्तन करते हुए हनुमान चालीसा बोलते हुए आए कि हम पहुंच जाएं जहां जाना है। बट इट वॉज दिस वॉज अ रियल एडवेंचर। और हम लोग एक्चुअली लेट इसलिए हुए कि मुरादाबाद से रामपुर के बीच में 2-2.5 घंटे का ट्रैफिक जैम लग गया था थैंक्स टू द हॉरिबल ऑर्गेनाइजेशन और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी द ट्रैफिक पुलिस ऑफ यूपी वेरी बैडली मैनेज्ड। पर इतनी सारी आगे जाके पुलिस होने के बावजूद
इतना लंबा ट्रैफिक जाम, और वो भी इसलिए कि ट्रैफिक वाले और बस वाले कई बार भी बीच में से घुसा रहे थे. एनीवे, तो खैर इट वॉज डेस्टिन्ड, हमें ये रात का सफर करना था, एडवेंचर करना था. उस डर को महसूस होते हुए भी अपने दिल से भगा के विश्वास और प्यार से ये सफर करना था, इसलिए शायद ओके नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज ऑल एंड्स वेल इज वेल. सो ये वीडियो मैं यहाँ खत्म करती हूँ. रोज इसी तरह के 5-10 मिनट के वीडियोस मैं बनाती रहूंगी और एंड में जाके जब घर पहुंचूंगी ना तब अपलोड करूंगी. सी यू.